तो यार देखो अभी बज रहे सुबह के 6, ठीक है, और अपन निकल रहे हैं मुंबई से। अभी समझ लो यार अपनी 7 बजे की ट्रेन है। ये देख लो सारा सामान सब पैक है। ये उठाते अपना बैग, सबसे जरूरी मास्क यार, और अपना फोन ये भी ले जाओगे तुम। धन्यवाद यार, देखो मतलब प्यार है अपने भाई। वक्त आ गया इस रूम को अलविदा करने का। अपन ने 3 दिन के लिए रूम बुक कर रखा था। ये रूम यार अपने लिए ना मतलब एक मेमोरी बन गई है, ठीक है, काफी अच्छा रूम था। और तुम्हारे भाई ना देख लो फुल मतलब गोवा वाले कपड़े अभी से पहन लिए थे, ये अपनी शर्ट, ये अपनी पैंट, चलते हैं फुल। तुम देख रहे हो मतलब आंखों में थोड़ी सी नींद तुम्हें दिख रही होगी। तुम देखो मतलब मुंबई में 6 बजे ग्राउंड देख लो मतलब कितनी रात रहती है। तुम देख रहे हो मतलब ऐसा लग रहा है रात के 12 बज रहे हैं। हमें यार कैश निकालना है तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ओ तेरी, देख रहे हो सारा यूट्यूब मनी। तो वैसे ये सब खर्च के लिए नो फालतू खर्ची, तो चलते लेके। अपन आ गए CST रेलवे स्टेशन, ठीक है। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने 26/11 मूवी देखी होगी ना, तो 26/11 में तुमने वो शूटिंग वाला सीन देखा है जिसमें वो सारे आतंकवादी शूट करते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक होती है, इसी रेलवे स्टेशन में मतलब इतनी शूटिंग वूटिंग हुई थी, टेररिस्ट का पूरा सीन हुआ था, ठीक है। ओ भाई साहब आवाज देख रहे हो, क्या बात है। ओए होए होए, यही वाली ट्रेन है, ठीक है, और इस ट्रेन का नाम है मडगांव स्पेशल। अपने को उतरना है ठीक है। देखो यार काफी टाइम बाद अपन ट्रेन से आ रहे हैं, ऊपर से मैं और दीदी तो पहली बार ही जा रहे हैं अपन दोनों। बहुत बढ़िया यार, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार अभी 6:40 हो रहे राउंड और मुंबई में भी धूप ही निकली, मतलब अभी भी रात है। अभी देखो यार AC 3 टायर है, अपने को स्लीपर वाले में जाना है। अच्छा पीछे होगा, ये गोवा की ट्रेन देखी, वो मूवी याद नहीं आ रही, ये जवानी है दीवानी। कोई नहीं मतलब वाइब तो वैसी है। हाँ तो यार देखो ये अपनी सीट, मैं देख रहा हूँ कि गोवा की ट्रेन मुझे थोड़ी यूनिक टाइप की लग रही है, थोड़ी ज्यादा हाई क्लास और मतलब कंफर्टेबल, मजा बहुत पूरा आने वाला है, ठीक है। करीब यार 12 घंटे का सफर है। कितने बजे पहुंचेगी? 4-5 बजे यार कैलकुलेट नहीं किया। शाम के 4-5 बजे तक अपन थिवम, जो कि नॉर्थ गोवा में, वहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। अपन मुंबई से निकलेंगे फुल गोवा के बीच में, तो नजारे होते हैं, मतलब वो नजारे एक नंबर होने वाले हैं। मैं खुद पहली बार देखूंगा, तुम मेरे साथ यार ये सीन एक्सपीरियंस करना, ठीक है, मजा आने वाला है। तुम देख लो मतलब सुबह सुबह उठ के भी स्मार्ट लगते हैं, सोते भी स्मार्ट लगते हैं, अपन बॉन्ड जैसे बोलते हैं पैदाइशी स्मार्ट है। देखो मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ना अपनी जो ट्रेन है वो काफी खाली खाली सी, ठीक है। या देखो मेरी ऊपर सीट है और दीदी की ये वाली, लेकिन पूरे बोगी में बहुत ज्यादा कम लोग हैं। कुछ उधर तुम्हें दिख रहे होंगे, कुछ पीछे की साइड है, ठीक है। और देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे मस्त लेटा पड़ा है, मुझे नहीं पता किसकी सीट है अभी। मतलब जितना मुझे लग रहा है कि यार आगे जाके जो मेन स्टेशन है ना मुंबई के, दादर हो गया या मुंबई सेंट्रल हो गया, उधर से शायद ना लोग चढ़ेंगे, तो देखते हैं शायद अपनी ट्रेन कुछ हल्की भरेगी या नहीं भरेगी, आगे पता रहेगा। लेकिन तुम देख रहे हो मतलब यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है, एक बूमरैंग सी बनाते हैं, और यहाँ तुम्हारा भाई की स्टोरी बन गई ऑफ टू गोवा, क्या बात है। चलो यार स्टोरी डालते हैं अपनी। देखो सेल्फ प्रमोशन जरूरी होता है, अपने इंस्टाग्राम की आईडी ये रही मास्टर बटर, करीब 63K फॉलोअर्स अपने, जरा फॉलो वालों मारो मतलब मास्टर बटर फिर चौड़ बनाओ, ठीक है। बाकी तुम देख लो यार अपन निकल गए मुंबई से, और मुंबई भी बड़ा याद आएगा, बताओ यार सच में मुंबई जैसे बोलते हैं ना सपनों की नगरी, मतलब मुझे काफी ज्यादा मजा आया। इधर की खास बात इधर के लोग, ठीक है, और मैं जब मैं यहाँ के ड्राइवरों से बात कर रहा था ना, मुझे पता क्या मजा आया, इधर के लोगों फिर दिल्ली वालों से थोड़ा जैसे बोलते ना हल्का सा हेट टाइप का, हेट नहीं, जैसे अपन है दिल्ली वाले तो अपन फुल काजुअली देते कभी कभी, फिर थोड़ा अपना टोन ही वैसा है तो मुंबई वाले समझ नहीं पाते। तो जब भी यार मुंबई वाले दिल्ली आते ना, तो इनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बदतमीजी से बात करें, वो पता नहीं कि यार अपने दिल्ली वालों का ये नॉर्मल है, मतलब अपन नॉर्मली ऐसे बात करते हैं। तो मुझे ये पता चला कि हाँ मुंबई वाले समझते हैं कि दिल्ली वाले थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाली ज्यादा देते हैं, बाकी बदतमीजा थोड़े बदतमीज समझते हैं हमें, लेकिन दिल के बहुत अच्छे मुंबई वाले। देखो यार अगर मैं मुंबई की खाने का बताऊं तो मुंबई खाना कुछ ऐसा है कि यार थोड़ा स्पाइसेस कम होते हैं, और जो इनके फेमस आइटम है ना जैसे वड़ा पाव, सैंडविच, डोसा और भी जो फेमस आइटम्स हैं, वो तो ये स्वादिष्ट बनाते हैं। लेकिन यार मैंने कल रात में नान खाई थी, और मुझे जिसे बोलते ना बहुत बेकार, मुझे वो बहुत बेकार लगी। तू जानती हो नान कितना शौकीन हूं, ऑफ कोर्स दिल्ली वाले नान के बहुत शौकीन होते हैं, नान और छोले भटूरे के, लेकिन मुझे यार नान जैसे अपनी दिल्ली में मिलती है ना वैसा मजा नहीं आया। हाँ थोड़ी महंगी भी थी, बाकी मुंबई तो थोड़ी महंगी है ही यार। तो दीदी तेरे हिसाब से मतलब तू क्या बताना चाहिए पब्लिक, मुंबई में क्या अच्छा है क्या बुरा है? अच्छे है मुंबई बीचेस, मैं एक ही दिन गई एक ही बार गई, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर ड्राइवर को बहुत मिले कि मुंबई वाले बहुत लकी है, इधर से टर्न तो उनको बीच आ जाता है, बीच आ जाता है, एक ड्राइव मरीन ड्राइव बैंड स्टैंड मतलब इधर सो अक्सा बीच क्या क्या है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है मुंबई, वैसे खूबसूरत है। हर दिन के मतलब 1.5 से 2,000 जाने ही जाने हैं। तो देखो यही कुछ बात थी, ठीक है, और दीदी एकदम सही बोला, एक्चुअल मतलब ऐसा ही हुआ था कि ऐप में बहुत पैसे खर्च, मुंबई का तुम सुबह सुबह का सीन देखो, क्योंकि मैं जब से मुंबई आया था ना एक बार भी सुबह उठा नहीं, लेकिन तुम्हें सुबह का सीन दिखा दो, देखो मतलब कितना प्यारा मौसम हो रहा है मुंबई में।
अपने दही ले लिया है, मटका दही, क्या बात है, 60 रुपए की। तो यार देखो अभी बजने करीब 1 थी और अपन थोड़ा सा सो गए थे, मतलब यार जो मेरी सीट थी वो नीचे वाली वो किसी और की थी, तो मैंने सुबह सुबह दिखाया होगा कि कितनी कम भीड़ है, लेकिन तू अब देखो इधर आंटी है, इधर ये ऊपर भैया थे और नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। अपनी ओरिजिनल सीट ना ये ऊपर ही, तो ऊपर मैं आराम से बैठा पड़ा हूँ। ट्रेन का टाइम था ना वो 5 बजे का था, मतलब कि 5 बजे गोवा पहुँचा दी, लेकिन अभी 1-2 घंटा लेट भी चल रही है शायद, मतलब 6 या 7 बजे तक पहुँचा है। लेकिन उससे पहले अपन ने अभी मटका दही लिया है, उसके पीछे रीजन है ये रहा दही, और मैंने चीनी अलग से लिया है। देखो यार अपन ने अभी खाना भी ऑर्डर दे दिया है, तो मेरा चिकन बिरयानी और चिकन मंचूरियन है, अपन चिकन खाते तुम जानते हो, और दीदी का क्या है, वेज फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन। दही मैंने इसलिए ली थी यार, मतलब बिरयानी के ऊपर फुल अपन दही डाले खाए मजे से। हाँ पहले बता रही थी कि तू ऐसा करेगा, देख रहे हो अपन फुल गया खेल गया, तुम देख रहे हो, मतलब बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट की हाईलाइट्स देखो, लेकिन यार तुम जानते हो नेटवर्क ट्रेन में कभी नहीं आते, मतलब आते हैं तो 2 मिनट के लिए फिर चले आते हैं, तो बस वही ट्राई कर रहा हूँ कि यार चले तुम आराम से खाओ। देख रहे हो आए हाय हाय, इधर की जो चिकन बिरयानी है ना वो चिकन बिरयानी नहीं होती, पता क्या होता है, चिकन चावल। मतलब मैंने एक चीज़ देख ली कि जो अपनी दिल्ली में मिलती है चिकन बिरयानी, यहाँ पे वैसी नहीं मिलती यार। अगर तुम्हें यार दिल्ली की चिकन बिरयानी पसंद है तो मैं यहाँ की कतई पसंद नहीं आएगी, मुझे भी यार एकदम पसंद नहीं आई, ठीक है। ये प्रॉपर चिकन चावल है, अंदर पूरी ग्रेवी से ले रखी है, खोद कर निकालना पड़ता है ग्रेवी को, और ऊपर नॉर्मल चावल है। अपने को ना दिल्ली वाली बिरयानी की आदत सी लगी थी, और यहाँ पे नॉर्मल चिकन चावल से मिलते ना बिरयानी के नाम पे, तो बड़ा दुख सा होता है। बिरयानी के साथ साथ अपने पास है चिकन मंचूरियन, खा के देखते हैं कैसा क्या स्वाद है इसका, ठीक है। तो ये भी अपनी मंचूरियन, इसको थोड़ा सा अपन चावल में डुबाते हैं फिर खाएंगे, मतलब मुँह में ना अभी पानी सा आ रहा है। देखो स्वाद तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार बिरयानी के साथ मंचूरियन कुछ गलत ऑप्शन ले लिया मैंने, मुझे फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन लेना चाहिए था, मतलब मैं देख रहा हूँ कि हाँ थोड़ा कॉम्बिनेशन ये अलग सा हो गया फुल मास्टर बड़े स्टाइल, लेकिन फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन ज्यादा मजा आता है। होटल बुक कर दिया है, एक्चुअल में वो होटल नहीं है, है ना, वो कुछ खास कुछ अलग चीज है जिसे बोलते हैं होस्टल, वो होस्टल है। और यहाँ पे ओह माय फेवरेट बकरियाँ, अरे वाह, तुम लोग नहीं जानते यार मुझे बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं वो मैं वो कितनी मैं है यहाँ पे तुम देख लो यार, तब मैं है बस घमंड हो तो इन जैसा मैं। तो और देखो जो अपना होस्टल है वो मॉर्जिम बीच के पास है, वैसे तो यार वो होस्टल ऐसी जगह ना कि वहाँ से अंजुना भी पास है, बागा बीच भी पास है, तो मतलब होस्टल बहुत बढ़िया है। और मैंने यार जानबूझ के ना होस्टल बुक किया है कि यार होटल में तो अपन रुकते रहते हैं, मुंबई में भी अपन होटल में रुके हुए थे, लेकिन होस्टल एक अलग एक्सपीरियंस होगा, तुम लोगों को दिखाने में भी मजा आएगा होस्टल का सीन, मतलब वहाँ पे बंकर बेड क्या बात है, ट्रेन की आवाज एक नंबर लगती है मुझे, ठीक है। होस्टल में क्या है कि बंकर बेड्स है, समझ लो तुम, एक के ऊपर एक वाले जो होते हैं। वड़ा पाव, पता नहीं क्या इस लड़की को वड़ा पाव से इतना ज्यादा क्या प्रेम हो गया। मेरे भाई वड़ा पाव कितने का है, 20 रुपए का एक दे दो। मैं भाई से पूछा था कि भाई यहाँ पे ओला उबर चलती है कि नहीं, भाई ओला उबर चलती है यहाँ पे, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रही ओला नहीं समझ में आ रही, तुम देख लो मतलब भाइयों को ओला उबर मतलब समझ में नहीं आ रहा, भाई टैक्सी चलती है ना यहाँ पे, टैक्सी चलती है बस, और क्या चाहिए, मतलब गोवा में ओला उबर की फैसिलिटी नहीं है। तुम देख लो मतलब दीदी को ही कुत्ता दिखा, और दीदी बोलती नॉडी, हम पहली बार नॉडी से इतना दूर घूम रहे हैं, ठीक है, और इसको नॉडी से मिल भी रही है। मतलब अपने को कोविड रिपोर्ट की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये लाइन इधर से लेकर इतनी लंबी थी, तुम देख रहे हो एकदम लास्ट तक, ये लाइन लास्ट तक थी, और अभी करीब आधे घंटे बाद अपनी बारी आई है, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, सामने वो मशीन से देख लो, बस टेस्ट करेंगे, टेम्परेचर टेस्ट है, नॉर्मल एसिड टेस्ट है, एक फॉर्म से भरना होगा और पास हो जाएंगे, ठीक है। कोरोना तो नहीं, देर को मादराबाद अपोजिट नॉनू वाइन मॉर्जिम बीच, देख लो आप एड्रेस। तो यार देखो ये रहे अपने साथ रवि जी, ठीक है। रवि जी पता नहीं कि मुझे आपको देख के लग रहा है कि ना 3-4 बियर की बोतल फुल पी के सेट हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मतलब रवि जी की सजेशन है कि एक बार मैं अपना सामान वान रख के होस्टल में तुम्हें होस्टल भी दिखाऊंगा, उसके बाद अपन मॉर्जिम चलते हैं, तुम्हें जरा यार मैं रात का सीन दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है बीच में, गोवा का बीच मॉर्जिम, ठीक है। मुझे रवि जी ने बोला कि कल सुबह फटाफट से अपनी स्कूटी बाइक रेंट कर लूं और स्कूटी बाइक में घूमूं, है ना। देखो अच्छा लगता है रवि भाई की टैक्सी है, फिर भी वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ स्कूटी बाइक में घूमो भाई, कोई दिक्कत हो मेरा नंबर ले लो और फोन कर देना, क्या बात है। रवि जी ये बताओ, मैंने काफी सुना है गोवा के बियर के बारे में कि गोवा की बियर बहुत सस्ती होती है, बहुत कैड़ी होती है। हाँ वैसे तो अपन बियर पीते नहीं, लेकिन क्या पता गोवा में आके अपन बियर भी पहली बार ट्राई कर ली, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे देखो दीदी आराम से बैठी बढ़िया, हाँ कैसा लग रहा था गोवा के, मुझे रवि जी ने बताया कि यार गोवा में जो सनबर्न हुआ था ना, वो सनबर्न भी लास्ट मौके पे कैंसिल हो गया।
ये भी काफी शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए। था बाकी रवि भाई कह रहे कैंसिल हो गया, मतलब हो ही क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ना गए थे सनमन अटेंड करने। बाकी चलो चलते अपन, तुम्हें सीन दिखाता हूं बढ़िया सा, ठीक है? फुल कलर एडू तभी चौड़ी छाती है, ग्रेनेड हूँ मचा दू तबाही में, हतबाही में, हतबाही में, सीन केड़ा केड़ा सीने 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 ए सीन केड़ा केड़ा सीने 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 सीन केड़ा केड़ा सीने 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 दे चिंगारी ना केड़ा भाई केड़ो केड़ो सीने सीन केड़ा केड़ा सीने 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 ए सीन केड़ा केड़ा सीने 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 सीन केड़ा केड़ा सीने 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 दे चिंगारी ना तेरा भाई फुल केड़ो सीने।